मेरा नाम मोहम्मद कैफ। तो किस तरह आपको कैसा अनुभव रहा पहली बार वोट पास करने? सब बहुत अच्छा था, खुशी की बात है कि फर्स्ट टाइम वोट डालने के लिए मिला, तो बहुत अपने अधिकार है और सरकार चुनने का मौका मिला फर्स्ट टाइम, बहुत खुश। प्रशासन का किस तरह शुक्रिया अदा करेंगे? बहुत शुक्रिया। को क्या संदेश दूंगा? लोगों को ये संदेश दूंगा कि जिनके वोट बने हुए वो आकर वोट डालें, अपना कीमती वक्त निकाल कर वोट डालना बहुत ज़रूरी है, आगे देखा जाएगा। जी सर, क्या नाम है आपका और किस तरह शुक्रिया अदा करेंगे प्रशासन का? मेरा नाम अनवर अली है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ परेड टॉप का। तो हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं पहले डीसी साहब का, जिसने हर लिहाज से तावन किया हुआ है। पानी की बड़ी दिक्कत थी, उसने अपनी गाड़ी लगा के, और हर तहसीलदार साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि जो पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे हमारे पास आए तो हमारे लोग जो उनको रोका और उन्होंने बोला आप मत किसी चीज़ से घबराएं, हम आपको गाड़ी देंगे और जो भी आपका माटू है जो भी है हम आपको टाइम टू टाइम देंगे, आपको जब इलेक्शन हो गया 26 के बाद और आपको गाड़ी की पूरी सुविधा देंगे। यहाँ पे बिजली पानी का और प्लस पंखे लगाए गए हैं, और हमारे लोगों के लिए पानी की सबसे बड़ी दिक्कत थी, डीसी साहब ने पानी का पूरा अरेंजमेंट अपनी तरफ से किया है। मेरा नाम मोहम्मद कैफ। तो किस तरह आपको कैसा अनुभव रहा पहली बार वोट पास करने? सब बहुत अच्छा था, खुशी की बात है कि फर्स्ट टाइम वोट डालने के लिए मिला, तो बहुत अपने अधिकार है और सरकार चुनने का मौका मिला फर्स्ट टाइम, बहुत खुश। प्रशासन का किस तरह शुक्रिया अदा करेंगे? बहुत शुक्रिया। को क्या संदेश दूंगा? लोगों को ये संदेश दूंगा कि जिनके वोट बने हुए वो आकर वोट डालें, अपना कीमती वक्त निकाल कर वोट डालना बहुत ज़रूरी है, आगे देखा जाएगा। जी सर, क्या नाम है आपका और किस तरह शुक्रिया अदा करेंगे प्रशासन का? मेरा नाम अनवर अली है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ परेड टॉप का। तो हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं पहले डीसी साहब का, जिसने हर लिहाज से तावन किया हुआ है। पानी की बड़ी दिक्कत थी, उसने अपनी गाड़ी लगा के, और हर तहसीलदार साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि जो पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे हमारे पास आए तो हमारे लोग जो उनको रोका और उन्होंने बोला आप मत किसी चीज़ से घबराएं, हम आपको गाड़ी देंगे और जो भी आपका माटू है जो भी है हम आपको टाइम टू टाइम देंगे, आपको जब इलेक्शन हो गया 26 के बाद और आपको गाड़ी की पूरी सुविधा देंगे। यहाँ पे बिजली पानी का और प्लस पंखे लगाए गए हैं, और हमारे लोगों के लिए पानी की सबसे बड़ी दिक्कत थी, डीसी साहब ने पानी का पूरा अरेंजमेंट अपनी तरफ से किया है।